तो हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके लिए एक अपना नया वीडियो लेके। मेरा घर जंगल में है, शहर से काफ़ी दूर है, तो मैं अपने घर का चारों तरफ का आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा कि कैसे जंगल में या शहर से दूर कैसे लोग रहते हैं। ये पूरा व्यू दिख रहा है आपको दोस्तों, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। मेरे घर के लिए यहाँ से रास्ता जा रहा है ऊपर को, तो मतलब शहर तो यहाँ से काफ़ी दूर है, कम से कम 8-9 किलोमीटर। ये हमारे मेरे घर के पास घास लगा हुआ है नीचे, जहाँ से घास काट के ले जाते हैं गाय के लिए। तो ये हमने मक्की लगाई हुई है और इसमें साथ ही करंट की तार भी लगाई है, ताकि कोई जानवर आए तो मक्की को नुकसान ना पहुंचाए या उसे तोड़ ना दे, इसलिए करंट की तार लगाई है। क्योंकि आपको तो पता ही यार, जंगल से कितने जानवर आते हैं। तो ये पूरा व्यू दिख रहा है आपको, सामने आपको HPL कंपनी दिख रही है और साथ में उसके नीचे से जो है 4 लाइन का काम चला है, पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मतलब चारों तरफ जंगली जंगल है, काफ़ी दूर दूर घर है। ये डिक्शाई का व्यू दिख रहा है आपको, सामने डिक्शाई की पहाड़ी है। पूरा व्यू आपको दिख रहा है, पूरा डिक्शाई का व्यू है। तो देखते रहिए, आगे भी ऐसे काफ़ी अच्छे व्यू है। तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे हमारे किस किस चीज़ के फल के पेड़ लगे हैं। ये अमरूद का पेड़ है, जिसमें अमरूद भी लगे हैं, अभी तो काफ़ी छोटे हैं। मेरे घर के पास ये एक अभी तो काफ़ी छोटे हैं, खाने को काफ़ी टेस्टी है अमरूद। तो बड़े होंगे तो दिखाएंगे आपको, जब बड़े हो जाएंगे। बाकी ये मेरे घर के आंगन में अमरूद के पेड़ थे और ये साथ में एक आम का पेड़ लगाए, और इससे नीचे को हमने काफ़ी बड़ी खेत है मक्की की, जो नीचे छोटी छोटी दिख रही थी, यहाँ से काफ़ी बड़ी दिख रही है। साथ में टमाटर भी लगाए हैं हमने। तो यार, इतनी मेहनत से हमने लगाए हैं ये, तो हमें करंट की तार भी लगानी पड़ी ताकि नुकसान ना बन जाए। तो ये मेरी गाय हैं, काफ़ी पशु पाले हैं हमने, जिसका पशुपालन करना काफ़ी मुश्किल है, घास लेके आना पड़ता है काफ़ी। तो मेरे घर से ऊपर को सारे चारों तरफ जंगली जंगल है, मतलब ये नहीं है कि घर है या किसी ने घर डाला है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। एक पार को कसौली का व्यू दिख रहा है पूरा आपको, कसौली वाली पहाड़ी दिख रही है और साथ में नीचे 4 लाइन। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।